सरारी ग्राम की डीपी फूकने से गांव में मंडराया पानी का संकट। पानी के लिए भटके रहे ग्रामीण कलेक्टर की सख्ती के बाद भी दो दिन बीत जाने तक बिजली विभाग नहीं सुधरवा पाए व्यवस्था। खबर करहाल से है, जहां वनांचल में स्थित सरारी ग्राम में बिजली विभाग की डीपी फूक जाने से बीते दो दिनों से ग्रामीणों को पानी पीने के संकट से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहाँ भीषण गर्मी से जीवन अस्त व्यस्त है, इसी के साथ अब पानी पीने का तक के लिए लोगों का भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर लोकेश लांगड़ के सख्त आदेश हैं कि कहीं भी बिजली व्यवस्था की दिक्कत ना रहे, उसके बावजूद भी कराहल अंचल में कमी देखने को नजर आ रही है। ग्राम सरारी की पूरी आबादी घरेलू बिजली और पेयजल व्यवस्था के लिए सिर्फ एक डीपी पर निर्भर है। अब से दो दिन पहले ग्राम सरारी की डीपी किन्हीं कारणों से खराब हो गई है, जिसके चलते सारी बस्ती की घरेलू लाइट से लेकर पानी पीने तक की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। गांव की महिलाएं और बच्चे कड़ी धूप के बीच पानी भरने बहुत दूर दूर तक जाने को मजबूर हो गए हैं। सारे काम छोड़कर ग्रामीण पानी की खोज में सुबह से शाम तक बर्तन लेकर इधर उधर भटकते नजर आते हैं। वहीं भीषण गर्मी के बीच घरेलू लाइट भी नहीं मिल पाने के चलते भयंकर गर्मी का दंश झेल रहे ग्रामीणों के बच्चे भी बीमार होने लगे हैं। ग्रामवासियों ने सब जगह शिकायत कर ली, मगर डीपी का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। वहीं जब इस संबंध में हमारी रिपोर्टर द्वारा करहल विद्युत मंडल के जेई नेंद्र सिंह जॉर्ज से बात की तो उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र समस्या का निदान करने की बात कही है। अब देखते हैं कब तक इंतजाम करवा दिया जाएगा। देखिए करहल से संवाददाता में श्रीवास्तव की रिपोर्ट।